अब फ्री हो गए हो, चलें घर? हाँ चलते हैं। काका किधर है अपना? काका मैं जरा साइड पे भेज गया है। अच्छा वो घूमने फिरने गया है। थोड़ी ही देर में कमल को भी डिस्चार्ज मिल जाएगा और हमारे बच्चे को भी, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने घर। चलो जी खोलो कमरा। वेलकम एजल। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कमल का बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने हमारे घर पर रहमत अता फरमाई। सुबह के बज गए हैं 4:30 और ये मैं बना रहा हूँ अपनी बेबी का पहला फीडर, क्योंकि रेडी हो गया और मैं बनाने में कामयाब भी हो गया हूँ इसको अल्हम्दुलिल्लाह। ये बन गया जी बेबी ऑफ कमल। Assalamualaikum everybody, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं और अभी सुबह सुबह उठते ही हॉस्पिटल से मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि नाश्ता वगैरह लेकर आना है। मैंने स्टे हॉस्पिटल में ही किया था कमल के साथ, तो अभी बस 2 या 2.5 घंटे नींद पूरी की है, कि रात भर तो जागते ही रहे और कमल की भी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी इसलिए जागना ही पड़ा। और अपने बेबी को भी बार बार फीडर बनाकर देना पड़ता था, कभी कुछ करना पड़ता था, कभी कुछ करना पड़ता था, इसलिए बहुत ही कम सो पाए हैं भाई लोग। चलो खैर जितना भी सो गए हैं, बट वी आर सो मच हैप्पी। अभी ना नींद याद है और ना ही कुछ और चीजें याद है, अभी बस याद है तो हमारे बच्चे की शक्ल और अल्लाह ताला ने हमें जितनी बड़ी नेमत से नवाजा है बस वो याद है। अभी बस घर जा रहा हूँ नाश्ता वगैरह लेने। अभी मैंने अपना नाश्ता कर लिया घर आकर, दूसरों के लिए पैक कर रहे हैं, फिर वो लेकर जाऊंगा। नाश्ता पैक कर रहे हैं? नहीं आजो आजो रहने दे, है अच्छा सारी चीजें। अभी नाश्ता लेकर हम लोग निकल रहे हैं। अभी घर से कपड़े शपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि दूसरे कपड़े सारे खराब हो गए थे मेरे। अभी नाश्ता वगैरह लेकर हम लोग सीधा जा रहे हैं हॉस्पिटल। अभी मैं आ गया हूँ डेकोर शॉप पर, क्योंकि अभी अब्बा जान होने के फराइज अदा करेंगे और जो जो सोचा है ना कि आज हम लोगों ने एक वेलकम टू होम सरप्राइज रखना है अपने बेबी के लिए, या दूसरी सारी चीजें या दूसरी प्यारी प्यारी सी अरेंजमेंट्स या घर को जो सजाना है उसकी तैयारियों के लिए मैंने काम काज शुरू कर दिया। अम्मी लोगों को हॉस्पिटल उतारने के बाद मैं आ गया था बाहर, तो अभी इसी की सारी प्लानिंग कर रहा हूँ, देखते हैं क्या करना है। अल्लाह ताला सारा बेहतर करेगा। वैसे मैं ये इवेंट प्लान करने में या किसी को सरप्राइज देने में बहुत ही फेलियर तरीन इंसान। अभी ये मैंने मिठाई ले ली है, क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं तो अपना मुंह मीठा और मेहमानों का करवाने के लिए जरूरत पड़ जाती है मिठाई की। अभी मैं मिठाई अंदर ले आया हूँ और गुब्बारे अंदर नहीं आने दिए, क्योंकि वो कहते हैं ये हॉस्पिटल का रूल है कि गुब्बारे और फूल ही अंदर जाएंगे। मैंने कहा ये कौन सा असूल है? अभी मैं बहस करने के लिए रिसेप्शन पर आ गया हूँ कि भाई बताओ मुझे समझाओ ये कौन सा असूल है। अब जी बहस कर करके मैं आ गया हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इजाजत नहीं दी। क्यों नहीं इजाजत दी इसका उनको भी नहीं पता, बस जी हमारी पॉलिसी है हम नहीं आने देते, ये भी नहीं बताया कि क्यों नहीं आने। ये अभी दरख्त को मुबारक हो गए हैं मेरे बलून। चलो कोई नहीं मसला। अभी ये जो मेरे बदकिस्मत बलून थे ना, जिनको हॉस्पिटल के नहीं जाने दिया, इनको मैं वापस घर लेकर जाने लगा हूं। और मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि यार देखिए बंदा जब बीमार होता है, कोई उसकी तीमारदारी करने के लिए आता है, तो पढ़ा लिखा सेंसिबल इंसान फ्रूट्स के साथ साथ फूल भी लेकर आता है, कोई फूलों का गुलदस्ता साथ लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर तो परमिशन ही नहीं है, आप फूल भी नहीं लेकर जा सकते और आप ये गुब्बारे भी नहीं लेकर जा सकते। अभी मैं आ गया हूँ घर पे, क्योंकि जो बेबी वेलकम के लिए डेकोर वगैरह प्लान कर रहा था के लिए मैंने भाई लोगों को बताना कौन सी चीज कहाँ पर उन लोगों ने एडजस्ट करनी है, फिर ताकि अच्छा हो जाए। वही गुब्बारे वगैरह फुला रहे हैं ताकि एक अच्छी तरह से डेकोर हो जाए अपना। वही कमरा थोड़ा सा डेकोर हो गया है, लेकिन ज्यादा सारा अभी बाकी है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा या फिर जब हम लोग अपने बेबी को लेकर आएंगे तब मैं आपको डेकोर भी दिखाऊंगा सारा। चले जी अभी डेकोर वालों को मैंने समझा दिया कि किस तरह से काम काज करना है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर ही करे, जैसा मैंने सोचा वैसे ये लोग कर दे ना तो कमाल हो जाएगा। और थोड़ी ही देर में कमल को भी डिस्चार्ज मिल जाएगा और हमारे बच्चे को भी, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने घर। जी जी बहुत प्यारे लग रहे हो आप। अभी मैं व्लॉग शुरू करने लगूं तो साथ ही अपना फेस साफ करना शुरू कर दिया। मैं सही लग रही? मैंने कहा हाँ बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह नूर आ गया चेहरे पर। अब फ्री हो गए हो, चलें घर? हाँ चलते हैं। चले काका किधर है अपना? काका मैं जरा साइड पे भेज गया है। अच्छा वो घूमने फिरने गया हुआ है? घूमने फिरने। मैंने कहा यार वो बिस्तर में नहीं है, इसलिए मेरा पूछना बनता था। ऐसे बनता जी है। हाँ काका भी उधर है, काका भी अपने नाने के पास है। नाने के पास है। हाँ यार ये वैसे क्या कहते हैं, मतलब
नाना भी हो, मामा भी हो, मतलब मेरा तो हुआ ना कि पंजाबी में कहते हैं मामा सोरा, ठीक है। नानी के लिहाज से क्या की, मतलब नानके के लिहाज से, बच्चे के लिहाज से? नानी, हाँ यार, ये वैसे इनका भी नाम होना चाहिए था। सही है, ओके, तो अभी नानी के पास है। जो बेवकूफ़ी मैंने की थी, खैर ये बेवकूफ़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर इस हॉस्पिटल में इन फूलों को और इन बलून्स को लेकर आना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि ज़ाया हो जाते हैं। खैर हम लोग ज़ाया नहीं होने देंगे, हम लोग अपने घर में ले जाकर रूम में रखेंगे। और अभी फाइनली डिस्चार्ज मिल गया है कमल को, अभी हम लोग सीधा जाएंगे अपने घर। हाँ जी चले चलो। अभी थोड़ा सादा सादा सा हुआ। चलो जी, खोलो कमरा। वेलकम। और वेलकम तो अपना बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन डेकोर का थोड़ा सा काम खराब हो गया। हम लोग आते आते हो गए लेट, जो गुब्बारे ऊपर सारे लटकाए थे उन बेचारों की गैस कम पड़ गई और वो नीचे गिर गई। चलो कोई मसला नहीं। और ये है हमारी प्यारी सी बेबी डॉल का नाम एजल, इट्स अ गर्ल। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कमल का बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने हमारे घर पर रहमत अता फरमाई। तो जनाब रात को भी सो नहीं पाए थे, मतलब एक वो वाली रात, अभी दूसरी रात भी आधी गुजर चुकी है। तकरीबन आज भी रात के 12 बज चुके हैं, अभी तक 12 बज गए, अभी तक सोए नहीं है। अभी सोते सोते शायद 1 बज जाए, 1 बजे के पास सुबह फिर से हम लोगों ने 5-6 बजे उठ जाना, मुझे जहां तक लग रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी नींद हम लोग पूरी कर लें। अभी आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। आपका हमारा साथ तो रोजाना का ही है यार। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक द वीडियो और अच्छे अच्छे कमेंट्स। बाय बाय।